नमस्कार सर, आपका इंडिया वेयर से बात करने के लिए। सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हमारे व्यूअर्स को दे सके तो अच्छा होगा। मैं चंद्र प्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। जी, तो आपका जो अपनी महासभा है इसमें कार्य क्या है? देखो, हिंदू हितों के लिए जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य हिंदू महासभा करती है, चाहे वो गोरक्षा का हो, चाहे गंगा रक्षा का हो, चाहे जो आज के डेट में आप समझ रहे हो कि लव जिहाद कितना चल रहा है उसकी, उसमें हिंदू लड़कियों की रक्षा करना हो, तो जितने भी हिंदुओं के कार्य हैं सभी हिंदू महासभा करती है। जी सर, आज हम राम जन्मभूमि के मुद्दे पे बात करते हैं। थोड़ा सा राम जन्मभूमि के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी ये राम, भगवान राम का जो जन्म हुआ था, इस इश्यू को भटकाने की आज कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से बताया गया है, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इतना कन्फ्यूज़ करने के बाद मतलब जो टेम्पल है वो बनने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? देखो, विपक्ष का काम हो या दुश्मनों का काम हो, ये अलग अलग युगों के अंदर राक्षसों का जो कार्य है वो अपना अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। और सच्चाई ये है, जो सर्वे में भी साबित हो चुकी है, कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये चीज़ शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ चुकी है, और मुझे लगता है कि दिवाली से पहले पहले आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। सर, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ था, ये जो बीबी लाल ने जो सर्वे किया था, इस सर्वे के अंदर जितने भी प्रूफ्स हैं वो सारे हमारे फेवर में हैं, फिर भी आपको क्यों लगता है कि इतनी देरी हो रही है इस फैसले को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें? देखो, हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि सबको पूरा समय देती है कोर्ट। ये तो राम का विषय है, इसमें तो आपको पता है देश का राजनीतिक एक तरह से ध्रुव है, ये बिल्कुल चल रहा है, ठीक है ना? तो समय दे रही है, लेते रहें, जितना मर्जी समय लेते रहे, अंत में जीत सच्चाई की होगी। और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, निर्णय देना पड़ेगा कि वहीं पर राम का जन्म हुआ और वहीं पे भव्य मंदिर का निर्माण हो। सर, इलाहाबाद कोर्ट की हम बात करते हैं, इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको 3 वर्डिक्ट के अंदर उसने बांट दिया राम मंदिर को, बट आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई दबाव होगा? नहीं नहीं, निर्णय का तो पहली डेट पे ही सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। ये बंटवारे का केस नहीं है, ये सिर्फ राम जन्म का मसला है कि राम का जन्म वहाँ पे हुआ था या नहीं हुआ था। और सर्वे में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, खुदाई में जितने भी सामान वहाँ पे मिला है उसने सिद्ध कर दिया कि राम का जन्म वहाँ हुआ था, वहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। सर, जब अगर कोई ना कोई किसी ना किसी चांस की वजह से किंतु परंतु में अगर कुछ होता है कि सुप्रीम कोर्ट फेवर में फैसला नहीं देती है, तो उसके लिए अपने हिंदू महासभा का क्या बैकअप प्लान है? नहीं नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है, वो निर्णय देगी और राम के, हमारे सच्चाई के पक्ष में देगी, राम के पक्ष में देगी। किंतु परंतु जो आपका क्वेश्चन है उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमारी जो लोकसभा है उसको बदलने का पूर्ण अधिकार है। और हिंदूवादी सरकार जो आप कहते हैं, अगर उसको 2019 में वापस आना है तो सुप्रीम कोर्ट के किंतु परंतु वाले निर्णय को बदलना पड़ेगा और लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा और वहीं पे भव्य मंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा, नहीं तो 2004 फिर दोहराएगा 2019 में। सर, अभी 500 साल से, पिछले 500 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, हिंदू लोग जितने भी हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा जहाँ पे उसकी जगह है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ देरी कर रही है? मतलब 2014 का उनका अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उन्होंने लिखा था कि भाई राम मंदिर बनेगा, आरएसएस आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तभी सारे लोग इनके साथ आए थे। तो आपको क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट की? नहीं नहीं, देखो, गवर्नमेंट के तो कई पहलू होते हैं, गवर्नमेंट को भावनाएं भी देखनी है और गवर्नमेंट को वापसी भी देखनी है, सत्ता की वापसी। तो वहाँ पे अगर मैंने जैसे पहले बताया कि सत्ता में अगर उनको आना है, क्योंकि अब की दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था राम मंदिर के ऊपर हुआ था, अब की दफ़ा कोई जातिवाद नहीं था, कोई और धर्म नहीं था, सीधा सीधा राम मंदिर का विषय था। और राम मंदिर का जो विषय पे इन्होंने वोट मांगे थे और पूरे देश की जनता ने एक मत होकर ऐसा बहुमत दिया था, चमत्कारी कह सकते हैं इसको, चमत्कार हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। और ये चमत्कार बरकरार रखने के लिए राम के नाम का जो सहारा लिया गया था वो पूर्ण करना ही होगा। सर, यूपी की बात करते हैं हम लोग, बीजेपी जो इतनी बड़ी सीटों के साथ आई, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मंत्री भी इसीलिए भेजा, मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया कि भाई राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वहाँ सीधा सीधा इलेक्शन हुआ और वहाँ भी 2014 की तरह 2017 में हिंदू जनता ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए वोट दिया कि केंद्र में भी सरकार हो
प्रदेश में भी सरकार हो और मंदिर के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो, और वो दूर इनको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बीजेपी वाले सोच सकते हैं कि दोबारा सत्ता का स्वाद वो नहीं चख पाएंगे अगर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण का कार्य स्टार्ट नहीं किया। सर 2014 देख लें हम, 2017 देख लें, बीजेपी की इतनी मदद आप लोगों ने की, आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी जो अपनी मेहनत थी झोंक दी उसमें, अभी भी हम देखते हैं कि एक इंच तक राम मंदिर की नहीं रखी गई है, उसका सोच के आपको कैसा लगता है? नहीं, वो तो बहुत बुरा लगता है कि हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सत्ता की अपनी मजबूरियाँ हैं और हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर बने तो एक सद्भावना भी बनी रहेगी, नहीं तो देश के अंदर आपको पता है कि कितनी अलगाववादी ताकतें हैं, उनको मौका मिल जाएगा कहने का, तो वो भी सरकार नहीं चाहती। सरकार जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, हिंदू महासभा का अपना नारा है कि हिंदुस्तान में हिंदू का साथ हिंदू का विकास होना चाहिए। जी, अगर हम देखें वाराणसी की ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है और जो मथुरा के अंदर ये अपना शाही ईद का टेम्पल है, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये भी एक बड़े इशू हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इश्यू नहीं है, जैसे ही राम मंदिर का मामला सुलझ जाएगा और राम मंदिर की वहाँ पर नींव रखी जाएगी, उसके बाद मथुरा और काशी का नंबर है, और वो हमें यकीन है कि वो इतना लंबा नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, 80% जनता की भावनाओं का ख्याल अगर कोई सरकार नहीं रखेगी तो जनता भी उस सरकार का ध्यान नहीं रखेगी। जी बिल्कुल सही बात है। कि आप कर्नाटक इलेक्शन हुआ, बहुत सारे यंग वोटर्स के बीच में आप जा रहे होंगे, तो उनका क्या है कि उनका एजेंडा क्या है राम मंदिर को लेकर? एक ही एजेंडा है, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि ये दिवाली से पहले पहले कार्य संपन्न हो जाएगा। अगर दिवाली तक हमारा राम मंदिर का फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है तो कितनी जल्दी हम लोग उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे? नहीं नहीं, उसमें कोई समय नहीं लगेगा, समय सिर्फ नींव रखने का है, निर्माण कार्य तो क्योंकि 70-80% कार्य पूर्ण हो चुका है, और आज की डेट में तो अब आधुनिक युग आ गया है, सिर्फ पिलरों को आपस में जोड़ना होता है, तो निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसमें समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सर पिछले कुछ सालों में हम देखें नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी है वो काफ़ी बढ़ी है, बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं वो लोग, अभी हम देखें आरएसएस के मुद्दे को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ की है, तो आपको क्या लगता है कि 2019 से पहले अपना हिंदू महासभा संगठन, आरएसएस संगठन और बीजेपी पॉसिबल कर पाएगी इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल कर पाएगी, अगर उनको सत्ता में रहना तो पॉसिबल करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है, वरना 2019 में 2014 दोहराना बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी, और 2014 भी सिर्फ भारत की जनता ने शाइनिंग इंडिया को नकार दिया था, 2019 में विकास को नकार देगी अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो दोबारा से सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकती बीजेपी। सर एक ग्राउंडेड रिपोर्ट आप दीजिए, आप बहुत सारे क्षेत्रों में ट्रेवल करते रहते हैं, तो वाराणसी का एक राम जन्मभूमि का एक ग्राउंडेड रिपोर्ट अगर आप हमें दे सकें, लाइक वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ का जो मुसलमान और हिंदू वर्ग है वो क्या चाहता है? नहीं, अयोध्या का जो भी वर्ग है वहाँ पे, चाहे मुसलमान वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, और ये जितना भी देश के अंदर अशांति फैलती है, जो अलग अलग नेताओं को अलग अलग बयानबाजी देनी पड़ती है, तो वो बंद होनी चाहिए, वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है अयोध्या के अंदर, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट एक खेलती है सरकार और विपक्ष दोनों की आपस की लड़ाई है, और दोनों इसी लड़ाई को जीतना चाहते हैं, लेकिन 80% बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए सरकार को। सर हम बात करते हैं, कभी भी देखते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का नाम एक साथ लिया जाता है, मतलब उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो अपनी हिंदू महासभा इसको व्यापक करने के लिए, अपने कार्य जो कार्यकर्ताओं को व्यापक करने के लिए क्या रणनीति बना रही है? नहीं, रणनीति तो यही है कि अभी हम पूरे देश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, आज हमारे पास जितने भी देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं सब डिस्ट्रिक्ट तैयार हो चुके हैं, और ये भूमिका हमारी जो है वो रहेगी, सिर्फ राम मंदिर, मथुरा, काशी, गोरक्षा, जो कार्य अभी सारे अधूरे पड़े हैं उस पर हम सरकार पर भी प्रेशर बनाते हैं, और सरकार को ये कार्य करने पड़ेंगे, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि 2019 में सरकार में वापस आना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इन कार्यों को उन्होंने इग्नोर किया तो, अनदेखी की उनकी।